वैद्य ही फूड फिएस्टा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ओरियो किटकैट शेक की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। इंग्रेडिएंट्स के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इजीली मिल जाएंगे, आप वहां से भी इसे देख सकते हैं। ओरियो किटकैट शेक बनाने से पहले सबसे पहले हम ग्लास को तैयार करेंगे ताकि हम शेक को इसमें अच्छे से सर्व कर सकें। इसके लिए मैंने लिया है एक ग्लास और साथ में मैंने लिया है ये चॉकलेट सिरप। मैंने हर्शीज़ का लिया है, आप कोई भी चॉकलेट सिरप यूज़ कर सकते हैं। तो ग्लास के किनारे पर इस तरह से ये चॉकलेट सिरप को गिराते हुए तैयार कर लेंगे। ये देखिए बहुत सुंदर डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसे लगाने के बाद में आप 5 मिनट के लिए इसे फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दें ताकि जो ग्लास के किनारे पर कोटिंग लगी है वो इसमें अच्छे से सेट हो सके। तो मैंने लगा दिया है इसे और अब मैं इसे फ्रीज़र में रख रही हूँ। और अब ओरियो किटकैट शेक बनाने के लिए लिया है एक ब्लेंडर जार। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये ओरियो के बिस्किट्स। तो ये देखिए मैंने 5 बिस्किट्स लिए हैं। वैसे तो आप कोई भी फ्लेवर का ओरियो यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मार्केट में ये बहुत सारे फ्लेवर्स में आ चुका है, लेकिन अगर आप चॉकलेट वाला फ्लेवर यूज़ करेंगे तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैंने अभी चॉकलेट वाला फ्लेवर ही यूज़ किया है। ओरियो किटकैट शेक बनाने जा रहे हैं, तो हम ओरियो डाल ही चुके हैं, अब बारी है इसमें किटकैट डालने की। तो मैंने यहाँ पर एक किटकैट ली है, ये देखिए छोटी वाली जो किटकैट आती है वो ही यूज़ करनी है। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ। इसके बाद में अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो इसे भी आप ज़रूर डालें। डाल दिया है इसे भी। अब इसमें बढ़िया सा कलर और फ्लेवर लाने के लिए डालेंगे कोको पाउडर, तो ये भी डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी कम या थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल इसमें 4 चम्मच चीनी डाली है। अब हम इसमें डालेंगे चॉकलेट आइसक्रीम। आप इसमें वनीला आइसक्रीम भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चॉकलेट आइसक्रीम के 3 स्कूप लिए हैं, तो ये आइसक्रीम भी इसमें डाल रही हूँ। आइसक्रीम डालने के बाद अब बारी आती है इसमें एकदम ठंडा दूध डालने की। आपको चाहिए कि आप दूध को आधा घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें, उसके बाद इसमें डालें। इससे शेक बहुत अच्छा बनेगा और झागदार बनेगा। तो ये डाल दिया है इसमें। ये सारी चीज़ें जार में डालने के बाद जार का ढक्कन लगाकर इसे अच्छे से बंद कर लेंगे और अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। इसे मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, तो अब हम इसे खोलकर एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया और झागदार शेक बनकर तैयार हुआ है। शेक तो तैयार हो चुका है, लेकिन अब बारी आती है इसे ग्लास में सर्व करने की। सर्व करने के लिए मैंने लिया है ग्लास, जिसे मैंने डेकोरेट करके फ्रीजर में रख दिया था। मैंने इसके अलावा एक और ग्लास तैयार करके रखा है, ये देखिए। तो अब इन दोनों ग्लासेस में हम इसको डाल देंगे। इस तरह से एकदम बढ़िया शेक बनाने के लिए आपको इसमें आइस डालने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसमें दूध एकदम ठंडा ठंडा डालें, शेक बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। दोनों ग्लासेस में शेक को डालने के बाद अब एक ग्लास में मैं ऊपर से झाग डाल रही हूँ। इससे देखने में तो बढ़िया लगेगा ही, साथ ही पीने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो ये देखिए इसके ऊपर झाग डाल दिए हैं। और अब मैं ये दूसरे ग्लास में डाल रही हूँ वनीला आइसक्रीम का स्कूप। आप चाहे तो इसके जगह पर चॉकलेट आइसक्रीम का स्कूप भी डाल सकते हैं। इसके बाद अब बारी आती है इसे डेकोरेट करने की। इसके लिए मैंने लिया है ये चॉको रोल, इसे भी लगा दूँगी। आप इसे जैसे चाहे डेकोरेट कर सकते हैं। चॉको रोल के साथ में एक ओरियो बिस्किट भी इसमें लगा देंगे। मैंने यहाँ पर किटकैट को छोटे पीसेस में कट कर लिया था, इसे भी इसके ऊपर डेकोरेट कर देंगे।
ओरियो किटकैट शेक को थोड़ा सा कलरफुल दिखाने के लिए मैंने कुछ जैम्स ली हैं, इन्हें भी मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। और अब इसके बाद ये जो दूसरा वाला ग्लास है इसमें मैं डाल दूंगी थोड़े से चॉको चिप्स। चॉको चिप्स डालने के बाद इसमें भी थोड़े से जैम्स लगा देंगे। तो ये देखिए लगा दिया है। ओरियो किटकैट शेक बनकर तो बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन बना है उसे भी प्रेस कीजिए। आप हमें कमेंट में अपने व्यूज़ और सजेशंस बता सकते हैं। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।